हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्निकल एपिसोड प्रो मैं हूँ शुभंकर तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पंजाब नेशनल बैंक में किस तरह से ऑनलाइन इंस्टेंट आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो विथ वीडियो के वाई सी तो इस वीडियो में आपको लाइव में दिखाऊंगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट करके यहाँ पर कुछ नोटिस दिया गया है तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली पंजाब नेशनल बैंक ने एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया एंड अब तक पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग विथ वीडियो के नहीं था तो पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग एंड वीडियो के लाइव कर दिया है अभी आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो एंड उसका वीडियो के भी कंप्लीट कर सकते हो आपको ब्रांच विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है तो किस तरह से करना है तो उसको जानने के लिए वीडियो को आपको फुल देखना होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैं पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करके रखा हुए इंडिया डॉट इन तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो यहाँ पर आने के बाद देखिए इस तरह का एक बैनर आपके सामने शो होगा अगर शो नहीं होता है तो देखिए यहाँ पर आपको राइट साइड पे ऑनलाइन सर्विस पे जाना होगा एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे है सेविंग्स अकाउंट विथ वीडियो के वाई सी यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा तो जैसे आप क्लिक कर दोगे तो देखिए एक न्यू विंडो हमारे सामने खुल के आ गया है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने मिलेगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा एंड आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखिए दो अकाउंट आप ऑनलाइन खुल सकते हो एक उन्नति सेविंग्स अकाउंट एंड ए पावर सेविंग्स अकाउंट तो उन्नति सेविंग्स अकाउंट है जो थोड़ा बैलेंस कम मेंटेन करना होता है एंड पावर सेविंग्स में थोड़ा बैलेंस ज्यादा मेंटेन करना होता है तो जो भी आप चाहो खुल सकते हो उसके बाद देखिए सर्विस एंड चार्जेस पे आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको सारे दिख जाएगा तो आप यहाँ पर देख लेना तो देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा वेलकम टू पीएनबी कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर सेविंग्स अकाउंट एंड रिज्यूम फॉर एप्लीकेशन मान लीजिए अगर आपने अप्लाई कर लिया है एंड करते करते बीच में पेज काट हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ से आप रिज्यूम भी कर सकते हो तो चलिए मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखिए सिलेक्ट द परफेक्ट सेविंग्स अकाउंट फॉर यू उन्नति सेविंग्स अकाउंट एंड पावर सेविंग्स अकाउंट तो उन्नति सेविंग्स अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होगा तो चलिए मैं कर लेता हूँ एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर आई एग्री पे आपको क्लिक करना होगा उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो देखिए अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो इस तरह का एक अलाउ मांगेगा तो इसको आपको अलाउ कर देना है उसके बाद देखिए आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा एंड उसके बाद आपका ई मेल तो चले मैं एंटर कर लेता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड ई मेल एंटर कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करूंगा उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा तो जैसे आप पे क्लिक करोगे, आपके पे पर एक ओटीपी जाएगा उसको वेरीफाई कराना होगा तो मेरे यहाँ पर ओटीपी है तो लेता और उसके पर और पे आपको क्लिक करना होगा तो जैसे क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पर आई प्रूफ अभी यहाँ पर आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो तो आपके आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है एंड आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी होना जरूरी है तभी आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंड आधार कार्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया उसके बाद देखिए पर आपको अलाउ पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा तो जैसे ही मैंने प्रोसीड पे, तो पे क्लिक किया देखिए जो मेरा आधार नंबर है उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ पर एक ओटीपी भेजा गया है तो उसको यहाँ पर एंटर करना होगा तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ उसके बाद फिर से आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है तो देखिए मेरा टू स्टेप कंप्लीट हो गया एंड थ्री नंबर स्टेप पे अभी प्रोसेसिंग हो रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा तो देखिए अभी प्रोसेसिंग होके आ गया है अभी यहाँ पर आपका जो बेसिक डिटेल्स है उसको आपको फिल करना होगा आधार के साथ जो डिटेल्स है वो फेच होकर यहाँ पर आ गया है तो एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे प्रोसीड है इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर अदर्स पर्सनल डिटेल्स पर देखिए आर यू मैरिड तो अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर यस करना अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर देना तो यहाँ पर देखिए मदर्स नेम फादर्स नेम रिलेजियन कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ एडुकेशन कस्टमर स्टेटस कस्टमर टाइप सब यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट करना होगा

तो देखिए एटीएम का हम डेबिट कार्ड यहाँ पर मैं येस करूंगा इंटरनेट बैंकिंग ये करूंगा मोबाइल बैंकिंग को यूज करूंगा ईमेल स्टेटमेंट पासबुक एंड उसके बाद देखिए एसएमएस अलर्ट एंड चेकबुक तो सभी को मैं यहाँ पर यस कर देता हूं एंड उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दिया देखिए यहाँ पर चारों स्टेप कंप्लीट हो गया उसके बाद देखिए कॉन्सेंट एंड डिक्लेरेशन तो इसको यहाँ पर देखिए एग्री पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद देखिए प्लीज सिलेक्ट वन ऑप्शन तो फास्ट वाला पे आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखिए पर एक बार प्रीव्यू कर लेना है आपका जो भी एप्लीकेशन है तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा तो अगर कुछ आपने गलत कर दिया तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो देखिए यहाँ पर पेन का ऑप्शन दिया है उसके बाद देखिए फ्रेंड सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़े टाइम आपको वेट करना होगा तो देखिए एक दो तीन चार के जो ऑप्शन है ये एक एक करके कंप्लीट होगा तो देखिए दो कंप्लीट हो गया देखिए तीन एंड चार कंप्लीट हो गया एंड फाइनली देखिए मेरा जो अकाउंट है ओपन होके आ गया है एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरा अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर योर अकाउंट हैज बिन सक्सेसफुली ओपन बिलो योर डिटेल्स यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर कस्टमर आई अकाउंट नंबर आई एफ एस सी कोड ब्रांच कोड ब्रांच नेम सभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना होगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा सारी डिटेल्स आ जाएंगे तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोसीड टू वीडियो के तो अभी आप वीडियो के कर सकते हो तो यहाँ से आप वीडियो के आई पे क्लिक करके प्रोसीड कर, कर सकते हो तो फ्रेंड्स मैं यहाँ तक के आपको दिखा सकते हो तो आगे वीडियो के में आपको क्या क्या लगेगा एंड क्या क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ वो मैं लाइव नहीं दिखा सकता तो एट फर्स्ट आपको एक व्हाइट पेपर लेना है एक पेन लेना है उसके बाद आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड साथ में रखना है तो जब आप प्रोसीड तो वीडियो के करोगे तो पीएनबी का कोई आधिकारिक आपके सामने आएगा एंड फेस टू फेस आप लोग वीडियो से बात कर सकते हो एंड आपको जो भी बोला जाएगा आप वहाँ पर कर देना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा वीडियो के वाई सी तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही बताना था तो ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताओ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही बताना था ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताओ अगर अच्छा लगा है इस वीडियो को एक लाइक कर दो शेयर कर दो तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक बाय बाय